हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हाँ तो अरे यार तो फ्रेंड्स, डोंट डिस्टर्ब, ये आज मैं थोड़ा सा फ़नी टाइप की हरकतें कभी कभी करने लगते हैं। तो अब मैं करने जा रही हूँ जो है वो लक्ष्मण जी का श्रृंगार, क्योंकि मैं थक गई थी। तो वो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा माहौल को चेंज किया जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने इन्हें भी धोती पटका और जो है अंग वस्त्र धारण करा दिया है, और अब मैंने कमरबंद पहनाऊँगी। तो ये आप देखिए जी, यहाँ पटके के नीचे से निकाले ना, क्या कर रहे हैं, निकाले पटका उठाएं, बस ऐसे, बस 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 बस। अब बताइए कैसा है? हाँ ठीक, बांध दे। नहीं, तो फ्रेंड्स, ये मैंने कमरबंद पहना रही हूँ। रामचंद्र जी का श्रृंगार मैं कर चुकी हूँ, होप के इसके पहले अपलोड भी कर दूँगी। आगे पीछे आते रहते हैं श्रृंगार, तो आप लोग उससे परेशान मत हुआ करिए जी। तो ये, और अब मैं इन्हें भी शॉर्ट हार पहनाऊंगी, जैसे कि मैंने इन तीनों का श्रृंगार में लगभग लगभग सेम करती हूँ, लक्ष्मण जी का, राम जी का, सीता जी का, इनके भी वस्त्र और ज्वेलरी जो है वो सेम रखती हूँ, ताकि सब एक जैसे लगें, एक परिवार के सदस्य लगें। जी हाँ, तो इन्हें भी मैं ये जरी वाला हार पहनाऊंगी जी, जो कि थोड़ा सा हैवी लुक देता है इन्हें, उठ रहा है क्या कमरबंद की वजह से, ठीक है ना। और अब मैं इन्हें भी ब्लू कलर के जो है वो कंगन धारण करवाऊंगी, सेम श्रृंगार है इनका उनका। और श्रृंगार इसलिए शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग की बहुत रिक्वायर रहती है कि दीदी प्लीज़ श्रृंगार ज़रूर से शूट करके शेयर किया करिए। और नवरात्रि के पहले ही से ये शुरू हो जाता है कि दीदी प्लीज़ श्रृंगार ज़रूर शूट करिएगा, और कुछ करिएगा चाहे मत करिएगा, श्रृंगार ज़रूर से शूट करिएगा। तो अब मैं इन्हें जो है इनके केश धारण करा दूँगी जी हाँ, और इसके बाद जो है आई होप कि आप लोग देख पा रहे हो। तो अभी मैंने इन्हें क्या क्या धारण करा दिया है, ये लॉन्ग हार है, ये शॉर्ट हार है, ये दो इनके कड़े हैं, वस्त्र के बारे में बता चुकी हूँ, कमरबंद पहना चुकी हूँ, इयरिंग मैंने नहीं पहना रही हूँ क्योंकि मैं इन्हें पहना रही हूँ मुकुट। और ऐसे में अगर मैं इयरिंग पहनाऊँगी तो ये आप देख रहे हैं मुकुट की लटकन, ये ना इयरिंग गिरा देती हैं, तो इस वजह से भी नहीं पहनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे जो है मुकुट को लगाती हूँ, तो लगाइए ठीक से, आप लगाइए, लग गया, बांधो, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, ठीक है। हाँ देखिए, आप देखिए, मैं आपसे बोल रही हूँ, देखिए तो आप मुझे से बोल रहे हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स, ये जो लटकन है वो आगे आ जाती है, और इन्हें हम इनका जो है वो धनुष थमाएंगे। तो धनुष को थोड़ा सा आप, इनके हाथ बंधे हुए हैं यहाँ पर, तो कुछ ट्रिक ऐसे रहती है जो कि ऐसे ही, जी हाँ ऐसे इनका जो है ऐसे हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है रामनवमी या नवरात्रि स्पेशल कहें आप, लक्ष्मण जी का श्रृंगार, वैसे रामनवमी विशेष है। तो नहीं, इनको तो बाढ़ पकाया जा सकता है। हाँ, लेकिन मैं नहीं देती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स, तो ये इनका श्रृंगार है, सीता जी का भी श्रृंगार मैं शूट करने जा रही हूँ। अगर आपको ये श्रृंगार पसंद आ रहे हो तो मेक श्योर, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब लाल बटन का लिखा होगा सब्सक्राइब, आपको उसको प्रेस करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे आपको मिलती रहेंगी चैनल की सभी अपडेट्स, सभी वीडियोस सबसे पहले, और साथ ही साथ आपको जो है वो वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कितने पसंद आ रहे हैं। कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर शेयर करें। आप मुझे इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं इनकी लेटेस्ट पिक देखने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।